अमेजिंग सीरीज पावर्ड बाय अमेजिंग केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि है नरिश टाइप 2, जिसे कंफर्म एक नए क्वेश्चन नेट या गेट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे नरिश टाइप 2। ध्यान रखना, एक तो टाइप 1 होती है, टाइप 2 है, अपन पढ़ रहे हैं टाइप 2, नरिश टाइप 2 रिएक्शन, ठीक है ना। और इसके अंदर अपने पास जो रिएक्टेंट होता है वो क्या आना चाहिए, वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड होता है, और किसके साथ, विद गामा हाइड्रोजन, किसके साथ होता है, विद गामा हाइड्रोजन के साथ अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब देखो रिएक्टेंट क्या है अपना, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये कौन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो अपने पास ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट हो, ठीक है, ये इससे दो आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, आर आर डैश, ठीक है, और अपने पास यहां पे जुड़ा हुआ है एक CH3, ठीक है, ये चीज अपने पास रिएक्टेंट ऐसा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपन को क्या करना है, नरिश टाइप 2 क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो एच न्यू की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो देखो जब ये एच न्यू की प्रेजेंस में होगी, मतलब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो हमेशा याद रखना जब ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एक सिक्स मेंबर की रिंग बनाता है, कैसे, देखो यहां से काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5, हो गए 5। और देखो जब भी ऐसा हो ना, तीन तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे तीन में से दो को ऐसे लिख लिए और एक को ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस स्टेप में ये 5 और ये हो गया 6 हाइड्रोजन, तो देखो 6 मेंबर की रिंग ऐसे बनेगी। देखो ध्यान से देखने कोशिश करो, ये बना अपने पास दो आर ग्रुप है, यहां से जुड़े हुए हैं आर आर डैस, और देखो यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ एच लिखा। अब ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ये 6 नंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, हमेशा ही 6 नंबर की रिंग बनेगी, इसको मत भूलना गलती से भी, कि नरिश टाइप 2 के अंदर 6 नंबर की रिंग बनती है, वो भी इंट्रामोलिकुलर स्टैटिक ट्रांजिशन स्टेप में बनता है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, अब क्या होगा, एच न्यू है अपने पास, इसमें होगा होमोलेटिक क्लीवेज, ठीक है। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये फ्री रेडिकल इसके पास, ठीक है, ये एक रेडिकल इधर, ये एक रेडिकल इधर, ठीक है। तो देखो स्टेप क्या है अपने पास, यहां पे OH बन गया, यहां R है, यहां पे R, यहां पे R और R डैश हो गया अपना, ठीक है, इस कार्बन से, और ऊपर अपना है CH2 रेडिकल, देखो यहां रेडिकल बना और यहां रेडिकल बना, यहां जो बनेगा वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां और यहां रेडिकल बनते हैं। अब देखो इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या, तो इसके अंदर हो जाए केस, मतलब केस 1 लिख लो यहां पे, केस 1 क्या तो हो गया इसके अंदर, साइक्लाइजेशन, क्या हो गया, क्या बोल रहा हूं, साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लाइजेशन होता है तब क्या होता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल ज्वाइन कर देना सीधे, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, यहां ओ एच आया, ठीक है, यहां पे आर आया, यहां पे सी एच टू था, ये दोनों ज्वाइन कर दिए, ठीक है, आर आर एस, तो अब साइक्लाइजेशन से तो ये वाला प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और देखो दूसरा होता है, मिलता है नरिश टाइप 2 वाला प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि
जो अपने पास ये कंपाउंड बन गया, अब इसके अंदर भी क्लीवेज होगा, मतलब कि जो ये यहाँ वाला, ये वाला बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये रेडिकल यहाँ देगा, ये रेडिकल यहाँ। तो देखो अब यहां से बना क्या, OH R, यहां रेडिकल है, यहां रेडिकल है, ये तो R ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्लस CH2 रेडिकल, और यहां पे भी CH2 रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल रेडिकल ज्वाइन कर जाएंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये रेडिकल रेडिकल ज्वाइन कर जाएंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो बने हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने नरिश टाइप टू प्रोटेक्ट, ठीक है, ये वाला क्या, नरिश टाइप टू प्रोटेक्ट, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अपने को एग्जाम में पहचानना है कंपाउंड के अंदर साइक्लाइजेशन हो रही है, नरिश टाइप टू हो रहा है, तो देखना है क्या, तो एक तो ऑप्शन देख के पता लग जाएगा तुम्हें, अगर तुम्हें ऐसे साइक्लाइजेशन वाला ऑप्शन में है चारू, और ऐसा कोई भी नरिश टाइप टू का नहीं है, तो तुम्हें ये वाला ही मेजर प्रोडक्ट लिखना है, मतलब साइक्लाइजेशन, मतलब चार ऑप्शन से देख के पता लग जाएगा। या फिर देखो तुम्हें अगर मतलब ऐसे मिक्स कंडीशन मिल जाए तो तुम्हें कैसे पता करना है, देखो ये इससे पता करना है, इससे इससे, यहां पे एक आर है या आर ड्रेस है, तो देखो मैं ना कंडीशन लिख देता हूं जिससे तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी नरिश टाइप टू और साइक्लाइज्ड, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन, इफ आर एंड आर डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन देन प्रोडक्ट विल बी नरिश टाइप टू। ओके, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, नरिश टाइप टू मिलेगा अपन को, ठीक है ना। और देखो अगर सेकेंड कंडीशन आर इज इक्वल टू सी एच थ्री, कोई भी अल्कलाइन ग्रुप, और आर डैश इक्वल टू हाइड्रोजन, जब भी नरिश टाइप टू ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इफ आर एंड आर डैश बोथ आर कोई मिथाइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, देन अपन को एक साइक्लाइज प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लाइज प्रोडक्ट मीन्स ये वाली कंडीशन तब होगी तब ये आर और आर दोनों ही सी एच थ्री हो, ठीक है, नहीं तो अपन को दोनों केस में अगर एक दोनों हाइड्रोजन है तो भी अपन को नरिश टाइप टू मिलेगा, और एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो भी अपन को नरिश टाइप टू प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नरिश टाइप टू रिएक्शन होती है, ठीक है, याद रखना, कुछ नहीं करना, बस सिक्स मेंबर की रिंग बना देना इंटरमोलिकुलर के साथ, फिर होमोलिटिक क्लीवेज करवा देना, यहाँ पे ये OH ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो फिर ये OH यहाँ पे आ गया, फिर साइक्लाइजेशन हो तो ये ज्वाइन कर दिखा देना, और इसके अंदर ये ऐसे देखो, इसके अंदर एक चीज और याद रखना कि ये, ठीक है ना, तो देखो ये कौन सी फॉर्म दे रखी, ये इसकी दे रखी इनोल फॉर्म, ठीक है, और इनोल फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है किसने, क्रिप्टो फॉर्म के अंदर, कैसे, ये देखो ये इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये कीटोनिक ग्रुप यहां जाएगा, ठीक है, ये आर ग्रुप इधर, और ये कुछ ऐसा दिखेगा अपन को आर आर डैश, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये कीटो फॉर्म हो गई, ठीक है। और हमें पता है कि जो कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है किससे, इनोल फॉर्म से, किस, क्या बताऊ मैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसी का देते हैं, कीटो फॉर्म की। तो देखो आपको एग्जाम में इन दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन दे सकता है, क्या तो वो अपन को इनोल फॉर्म दे देगा, क्या तो वो अपन को क्या दे देगा, इनोल फॉर्म दे देगा, या फिर वो अपन को कीटो फॉर्म दे देगा। तो अपन को याद रखना है कि कोई सा भी अपन को आंसर दे, मतलब कि ऑप्शन में कोई भी मिले अपन को इन दोनों में से, इनोल या कीटो में से, तो अपन को वही टिक करना है, ठीक है, तो ये याद रखना है। Thank you and have a nice day. You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.